हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये स्काईवे की साइट है, स्काईवे RSW। तो यहाँ पर जो लेख दिया गया है, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए दिया गया है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो जैसे दूसरी कोई टेक्नोलॉजी होती है या फिर दूसरा कोई सेक्टर होता है, कंपनी होती है, तो वहाँ पर अगर कोई आपात स्थिति बन जाए, जैसे आग लगना या कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम करंट वरंट लगना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो सकती हैं। तो उन चीज़ों से किस तरह से बचाव किया जाए, सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो इलेक्ट्रिसिटी और आग से ही होता है। आग में सारी चीज़ें जल जाती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हो या कुछ भी होता है, सब जल भुनकर राख हो जाता है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उससे कैसे निपटारा किया जाए, तो वही सारा यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि स्काईवे है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका यूज पहले कभी नहीं किया गया है, ठीक है। तो आने वाले समय में ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर ना बने कि यहाँ पर कोई उसका विरोध करे कि यह टेक्नोलॉजी सही नहीं है, ठीक है। आजकल बसों में आग लग जाती है, कभी ऐसी प्रोजेक्शन आ जाती है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो जल जाती है, क्योंकि वो गर्म होती रहती हैं बैटरी की वजह से, किसी भी वजह से वो वहाँ पर आग लग जाती है, ठीक है। तो उन चीज़ों से कैसे निपटारा किया जाए, तो यहाँ पर दिया है प्रिय साथी विचारकों सारजा सिविल डिफेंस के प्रोजेक्ट प्रतिनिधियों की UAE शाखा की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनके लिए नए परिवहन समाधानों से परिचित होने के लिए स्टिंग ट्रांसपोर्ट टेस्ट और सर्टिफिकेट सेंटर का दौरा किया, यानी वहाँ पर दौरा किया जहाँ पर इसकी ऑफिस है या जो यहाँ पर प्रोजेक्ट लगा हुआ है वहाँ का दौरा किया। तो जनता के कई सवाल होते हैं कि इस ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या यहाँ पर किया जा रहा है। तो सारजा सिविल डिफेंस को इसे सौंपी गई दक्षताओं के भीतर काम करता है, और जिन उद्देश्यों को आंतरिक और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय एक संस्थागत प्रणाली स्थापित करने के लिए हासिल करने का प्रयास करता है, वह सभी क्षेत्रों में सारजा अमीरात द्वारा देखी गई विशाल विकास आवश्यकताओं के अनुरूप हैं जो हासिल करने में योगदान देता है। वांछित उद्देश्यों विभाग जागरूकता और शिक्षा से संबंधित अभियानों और पहलों और परियोजनाओं के आयोजन के माध्यम से नागरिकों और निवासियों के बीच रोकथाम संस्कृति के लिए जागरूकता फैलाकर आग लगने के जोखिमों से बचाव और सुरक्षा प्राप्त करने के अपने प्रयासों को तेज करता है। यानी अब जब इसकी सुरक्षा एजुकेशन दिया जाएगा स्काईवे का, तो सभी जगह अब इसकी सुरक्षा के बारे में भी बताया जाएगा कि किस तरह से हमें सुरक्षित रहना चाहिए। जैसे अभी हम ट्रेन पर चलते हैं या बसों में चलते हैं या फिर मेट्रो ट्रेन में चलते हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर बीड़ी ना पिए या कोई पटाखे वगैरह सामान बारूद गोला बारूद या भारी बंदूक लेकर यात्रा ना करें, ऐसी बहुत सारे उसमें लेख लिखे होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर ख़तरनाक चीज़ें हैं जो वो लेकर यहाँ पर ना चलें, तो उसी तरह का यहाँ भी किया जाएगा। यात्रा का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा के संदर्भ में प्रभावित जोखिमों और खतरों का आकलन करना था। चूँकि स्टिंग ट्रांसपोर्ट एक पूरी तरह से नई तकनीक है जिसका उपयोग सारजा में कभी नहीं किया गया, इस प्रकार परियोजना की टीम के लिए कई प्रश्न तैयार किए गए थे, जैसे नियमित और ख़राब मौसम की स्थिति में रोलिंग स्टॉक की आवाजाही के लिए नियम। जैसे अभी मान लीजिए कहीं पर कोहरा बहुत अधिक पड़ रहा है, तो उस तरह से कैसे वहाँ पर निपटा जाए। अभी क्या है, सड़कों पर अगर कोहरा होगा तो बस जैसे जाए या कोई भी और वाहन जाए तो फिर धीरे धीरे चलेगा और उसकी स्पीड है वो फिर लिमिटेड होगी, ठीक है, कहीं एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। तो आपात स्थिति के मामले में सुरक्षा प्रणाली डिजाइन कंपनी के प्रमाणित विशेषज्ञों की उपलब्धता जो जल्दी से ब्रेकडाउन को खत्म करने में सक्षम है, साथ ही आपात स्थिति के परिणाम भी। परियोजना के विशेषज्ञों ने सारजा के नागरिक सुरक्षा प्रतिनिधियों के सभी सवालों का सबसे विस्तृत और व्यापक तरीके से जवाब दिया और सुरक्षा के क्षेत्र में आगे सहयोग की योजना की रूपरेखा तैयार की, यानी किस तरह से ये निपटा जाए। तो जहाँ पर स्काईवे का जो भी जहाँ भी इसका जो एजुकेशन दिया जाएगा, उसके साथ साथ में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भी वहाँ पर सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा किस तरह से वहाँ पर। पहली बात तो ऐसा होगा कि आपातकालीन स्थिति ना आए कहीं भी, सब हर कोई चाहता है कि आपात स्थिति कहीं भी ना आए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता किसी भी कारण से आ सकती है। क्योंकि जब कोई भी वाहन अगर चलता है पूरे 24 आवर चलता है, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई प्रॉब्लम करे या उसमें आग लगे, कोई पार्ट है गर्म हो जाए उसकी वजह से आग लगे, तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, उस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, तो आगे एक और प्रकाश मैं आप दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फोर्स के बारे में दिया गया, बल के बारे में, मतलब ज़्यादा उसमें बल ना लगाना पड़े उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है,
जो लोग समझते होंगे, ठीक है, तो वो समझते होंगे। और ये न्यूज़ आपकी आईडी पर भी दी है और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी दी है, तो वहाँ से आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। प्री सहयोगियों स्टिंग प्रौद्योगिकियों के विकासकर्ता के अनुसार परिवहन और परिवहन की दुनिया पत्रिका ने, यानी वहाँ पर एक पत्रिका है जिसका नाम है परिवहन और परिवहन की दुनिया, तो उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया है, उसी में ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, पत्रिका ने स्टिंग परिवहन के रोलिंग स्टॉक के वायुगतिकीय आकार में सुधार पर एक लेख प्रकाशित किया है। एक निलंबित मोनोरेल यूएस को गणना के आधार के रूप में लिया गया था। सामग्री के लेखकों में प्रोजेक्ट एनातोली उनिस्की के सामान डिजाइनर है। प्रकाशन परिवहन की वायुगतिकीय विशेषताओं पर ज्यामिति और संरचनात्मक तत्वों के प्रभाव का अध्ययन करता है। अनुसंधान की प्रक्रिया में मोनोरेल यूएस पतवार के आकार का अनुकूलन किया गया। इससे निर्णय ने बल को कम करना और गुणांक को 16.9% तक कम करना संभव बना दिया। प्रदर्शन की गई गणनाओं का परिणाम सबसे कम वायुगतिकीय ड्राइंग गुणांक के साथ इष्टतम यूएस मॉडल का विकल्प है। कंपनी के विशेषज्ञों के अनुसार इससे परिवहन की ऊर्जा दक्षता और उसकी पर्यावरण दक्षता, पर्यावरण मित्रता में सुधार होगा और इसके परिणाम स्वरूप परिवहन प्रक्रिया के संभावित लाभप्रदता में वृद्धि होगी। याद करें कि आज स्टिंग ट्रांसपोर्ट की लाइन अप में सबसे वायुगतिकीय वाहन हाई स्पीड यूफ्लाइस है। इसके वायुगतिकी ड्रैग गुणांक को घटाकर 0.06 कर दिया गया है। तुलना के लिए इस सूचक में अग्रणी कारों में वायुगतिकी ड्रैग गुणांक हो सकता है उदाहरण के लिए 0.175। जैसे अगर मैं कहीं अगर हवा चलती है और वो गाड़ी जा रही है, यूएस जा रही है, मोनोरेल जा रही है, तो वहाँ पर क्या ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर उसके विपरीत को हवा आ रही है। अगर उसके हवा अनुकूल चलती है तो फिर उसमें ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस फोर्स को कम करने के लिए उसमें ये लेख प्रकाशित किया गया। ऐसी स्थिति में हम ऐसे कैसे निपटें? ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आगे कोई अगर न्यूज आती है, फिलहाल मैं बता दूं कुछ 10 मई से इसका स्टेज है वो चेंज हो जाएगा, 15वां स्टेज लग जाएगा वहाँ से। तो अभी यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी आईडी बनाकर उसमें निवेश कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही आपको एक $25 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, $25 का, जिसको आप अपने पैकेज में यूज कर सकते हैं, यानी शेयर लेने में यूज कर सकते हैं। उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बैंक में नहीं ले सकते हैं, लेकिन उससे शेयर ले सकते हैं, किसी को भी दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप टीम बनाते हैं तो आपको डायरेक्ट में 15% मिलता है। ठीक है, उसका बेनिफिट ये है कि आप उसको किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे पैकेज ले सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर टीम बनाएंगे तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा, साथ ही शेयर का प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही, जो कि आपको लेना पड़ेगा। अभी कम इसका रेट है और आने वाले समय में इसका रेट बढ़ता ही रहेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।